हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर किचन ब्लॉग। आज ही हम अपने किचन में बना रहे हैं फेमस वाले इंटरनेट रेसिपीज क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स, ब्रेड पॉकेट्स। तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन लिया, पैन को गर्म करा, उसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने डाले ऑयल। इसको हम होने देंगे गर्म। अच्छा जी, ये रेसिपी बनाते हुए बहुत से मेरे फ्लॉज भी हुए, मिस्टेक्स भी हुए। अब वो क्या हुए वो आगे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी और उसको कवर अप कैसे करा वो भी। ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर गार्लिक डाला है 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिसे कहते हैं ना अच्छे से भुनाई कर लेना, हम वो कर लेंगे। इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि हमको इसका फ्रेग्रेंस अच्छे से आने लगे। इसकी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हमारा चेस्ट पीस का है, सिर्फ बोनलेस, हम वो डालेंगे। क्यूब्स कट हुआ हुआ है, इसको हम अच्छे से लहसुन गार्लिक के अंदर फ्राई कर लेंगे, इतना कि ये अपना कलर चेंज कर दे, पिंक से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू योर टेस्ट। लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर आएगा हाफ टी स्पून। इसके बाद आएगी हल्दी, इट्स 1/4 टीस्पून। इसके अंदर मैं भी यूज़ कर रही हूँ तंदूरी चिकन मसाला हाफ टी स्पून, और सोया सॉस 3 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक होने देंगे। क्योंकि हमारे ब्रेड पॉकेट्स छोटे हैं तो हमें इतने बड़े बड़े क्यूब नहीं चाहिए। इसको पकने के बाद मैं इसको छोटे छोटे इसमें चिकन को श्रेड कर लूँगी। इस तरह श्रेड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी वेजीज, कैप्सिकम, कैरेट्स और अनियंस। अब ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कितनी वेजीज प्रेफर करते हैं। मेरे पीछे की आवाज़ को, बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। माशाल्लाह मेरी बेटी मेरे साथ होती है। तो चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब वेजेस डालने के बाद हम इनको सिर्फ हीट करेंगे, हम इनको कुक नहीं करेंगे। हीट करने का मतलब ये है हमको वेजेस हमारी क्रंची ही चाहिए। अब हीट देने के बाद हमारा मसाला सारा खुश्क हुआ हुआ है। लास्ट में हम डालेंगे लेमन जूस। कि मैंने एक बड़ा नींबू लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया था। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अपना फ्लेम बंद कर लेंगे। अब ये जी हमारा ब्रेड पॉकेट्स का चिकन मसाला तैयार है। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क है। तो चले जी हम आगे ब्रेड पॉकेट्स की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेड पॉकेट्स के लिए यहाँ पे थी मेरी जी सबसे बड़ी गलती। मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें 1 स्लाइस यूज़ था, इसलिए मैंने 1 स्लाइस यूज़ किया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे 2 स्लाइस यूज़ कीजिएगा। मेथड सेम ही रखिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने 1 स्लाइस लिया है, आप 2 स्लाइस को एक साथ लेके ऊपर नीचे रख के उसके चारों किनारे काट लीजिएगा। अब जैसे मैं 1 स्लाइस को यहाँ पे बेल रही हूँ, आप एक को नहीं, आप दोनों को एक साथ बेलिएगा। एक साथ रख के वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अब बेलने के बाद जब वो चिपक जाएंगे, ज़्यादा नहीं बेलिएगा, बस हल्का हल्का कि बस वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। उसके बाद हम एक कोई भी राउंड चीज़ की मदद से इसको हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक चौड़ा वाला ग्लास ले रही हूँ, इसको हमने राउंड कट कर लिया है। ये जो जितने भी हमारे साइड के ब्रेड के जो किनारे बच रहे हैं ना, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। यूटिलाइज़ इस तरह कि इसके हम बना लेंगे अपने ब्रेड क्रम्स। ये जी माशाल्लाह मेरी छोटी शेफ, माई हेल्पिंग हैंड, जो मुझे बहुत हेल्प आउट करती है लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा तंग भी। ये जी हमारे ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। अब ये जी हमारा वेस्ट जो हमने यूटिलाइज़ कर लिया ब्रेड क्रम्स में। अब डालेंगे हम 2 एग्स के अंदर डालेंगे हम जी 1 टेबल स्पून मैदा। डालने से थोड़ा हमारा बैटर जो है क्रंची हो जाएगा और हमारे ब्रेड पॉकेट थोड़े क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे ये मैदा। अब इसको हम अच्छे से, आप बिस्किट की मदद से इसको अच्छे से बिस्क कर लीजिएगा। मेरे पास बराबर में यहाँ छुरी ही पड़ी हुई थी तो मैं उसकी हेल्प ले रही हूँ। बस मकसद अच्छे से मिक्स होना चाहिए, चाहे आप बिस्किट लो, फोर्क लो या नाइफ लो। ये जी मेरा अच्छे से अंडे और मैदे का बैटर मिक्स हो चुका है। अब एक एक करके मैं अपनी पॉकेट्स उठाऊंगी। पहले हम अपने एग बैटर के अंदर इसको डिप करेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, कोट कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर अपने ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से हमने इसको कोट कर लिया। अब यही सेम प्रोसीजर से हम लोग अपनी बाकी सारी ब्रेड पॉकेट्स के साथ भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला मेरी तो ज़्यादा फूली नहीं थी, लेकिन आप जब 2 स्लाइसेस को एक साथ करेंगे तो आपकी ब्रेड पॉकेट बहुत अच्छी फ्लफी सी और बहुत अच्छी सी फूल जाएंगी। ये हमारी ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं, हमने फ्राई कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड पॉकेट्स एक तरफ से थोड़ी सी आपको फूलती हुई नज़र आएगी, लेकिन एक साइड से नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें थोड़ी सी फूली, इस साइड से थोड़ी नहीं फूली। चलो हम अपनी रेसिपी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे और बहुत मज़े से लेके खाएंगे। तो चलो यूटिलाइज़ किस तरह, अब यूटिलाइज इस तरह के पहले हम अपने ब्रेड पॉकेट्स को हाफ कट कर लेंगे। हाफ कट करने के बाद हम इसको सेंटर से नाइफ की मदद से इसको हम हॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद जो हमने चिकन मसाला डाला था वो उसके अंदर हम फिल कर लेंगे। ले लीजिए, नो वरीज, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो हमारी फिर भी ब्रेड पॉकेट्स तैयार है। टेस्ट मैटर, प्रेजेंटेशन डज मैटर, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इस पर भी वर्कआउट कर लेंगे। तो चलें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक।